इंडिया के कैपिटल दिल्ली की अगर बात करें, अगर पंजाब की बात करें, तो बिजली वहाँ पे फ्री है, यानी कि वहाँ पे आपको बिजली कम्प्लीटली फ्री मिलती है और वो जो बिजली है वो 24 घंटा रहती है। लेकिन बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर अभी भी गरीब लोगों की आवाज़ यही है कि हमें में बिजली फी माफ़ कर दिया जाए। लेकिन अभी तक यहाँ पे जो गरीब गुरबात लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए बिजली फीस अभी भी भरना पड़ता है। एक बड़ी आवाज़ ज़िला अनंतनाग के अश्वकाम से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे लोगों की यही डिमांड है कि हमारा बिजली फी माफ़ कर दिया जाए, हम एफोर्ड नहीं कर सकते। क्या कुछ कहा लोगों ने और क्या कुछ कहा ऑफिशियल्स ने, वीडियो देखिए। बुशुस अपील करन गवर्नर साहबस को अछुन चोन काछु खलास साई मुमकिन अछु तो माय मोल के मजास यत गय गरीब उमतास करते क्या मुरवा था खलास जे मुरवा ये फेस बिजली फेस करता आस माफ अछुन का सहारा बुझता बाहर रहता सु बदा सु ते आज तबागन के बुशुस खाया डंगर बो रोजन मेहरबानी तो मेहरबानी छु करन मोदी साहबस ते गवर्नर साहबस ते ये बिजली फीस करता वास माफ आज छो रफ्तार के एकदमा मकान नार है ना वाले वास बिजली ना ना ता छन जरा के सर बाहर लोग एहतजाज कर रहे हैं, इनका यही कहना है कि हमारा फी माफ कर दिया जाए क्योंकि हम एफोर्ड नहीं कर सकते, हम पुअर फैमिली से बिलोंग रखते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हो आप इसके बारे में? हम अपने लेवल पर इसको फीस को माफ नहीं कर सकते, इसमें गवर्नमेंट डिसीजन है, जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसीजन एक लिया है कि इनको हर एक डोमेस्टिक कंज्यूमर को एमनेस्टी दी जाएगी। एमनेस्टी किस तरीके से दी जाएगी, उसमें एक तरीका कार उन्होंने वाजह किया है कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है कंज्यूमर्स का बकाया सरचार्ज के बगैर, अगर किसी के सपोज 1,00,000 रुपये बकाया है उसमें सरचार्ज है 50,000 है और बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट जो है 50,000 का, 50,000 उसको भरने हैं, 50,000 उसका सरचार्ज पार्ट माफ़ हो जाएगा।